हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो है कि हम अपने रैबिट को बाहर निकाल चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके जो रूम है उनके रूम के दरवाजे खुले हैं और हम अभी आपको दिखलाते हैं कि रैबिट कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये रहे रैबिट, यहाँ पे आके हरी घास खा रहे हैं, देख सकते हैं। और ये जो एक रैबिट है उधर मस्ती कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं, अपने रूम में चला गया दोस्तों, वो मस्ती कर रहा है। और जो हमारे सभी रैबिट हैं यहाँ पे हरी घास खाने में लगे हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं हम कितनी हरी घास इनको खाने के लिए लाई हुई है। तो दोस्तों, जो है कि अब हम चलते हैं रूम में और देखते हैं कि जो कबूतर के बच्चे हैं वो कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो है कि हम रूम में आ चुके हैं और इधर हमारे कबूतर हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो है कि आज हमारे कबूतर के जो बच्चे हैं उनकी आज 14 दिनों के हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम इनके बच्चे को देखेंगे। तो दोस्तों, जो है कि हम फिलहाल जो है कि इनके बच्चे को देखते हैं। तो दोस्तों, जो है कि हम दरवाजे खोल चुके हो और दोस्तों इधर रहे हमारे कबूतर के बच्चे, आप देख सकते हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं। और दोस्तों, जो है कि उनके शरीर पे अच्छे से बाल आ चुकी है, देख सकते हैं कितने आराम से बैठे हुए हैं। और जो हमारे कबूतर हैं वो भी बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। आप सोचते होंगे कि हम बच्चे को बाहर क्यों नहीं निकाल रही हूँ। दोस्तों, हम कबूतर के बच्चे को बाहर इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि दोस्तों ठंडी भी काफ़ी है और जो है कि बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी हुई है दोस्तों, इसलिए जो है कि हम कबूतर के बच्चे को बाहर नहीं निकालते। लेकिन दोस्तों, हम बहुत जल्द ही उन्हें बाहर भी निकालेंगे। तो दोस्तों, हमने आज सोचा कि क्यों नहीं एक डॉग के छोटे से प्यारे से क्यूट से एक बच्चे को लाते हैं, ताकि दोस्तों जो डॉग होते हैं वो बिल्ली को नहीं आने देते हैं। तो हमने सोचा कि उसे लाते हैं और जो है कि वो जो दोस्तों जब आ जाएगा तो बिल्ली नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों, जो है कि हम कल एक प्यारा सा डॉगी लाएंगे जो कि हमारे रैबिट और कबूतर और कबूतर के जो बच्चे हैं उनकी अच्छी से देखभाल करेगा, उन बिल्लियों से बचाएगा। इसलिए दोस्तों, हमने सोचा है कि कल ही क्यों नहीं हम डॉग के एक प्यारे से बच्चे लाते हैं। तो दोस्तों, जो है कि हम कल डॉग के एक प्यारे से बच्चे को लाएंगे। इसलिए दोस्तों, जो है कि हम कबूतर के बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाती हूँ, ताकि दोस्तों जो बिल्ली है वो बच्चे पर हमला कर देगी। इसलिए दोस्तों, जो है कि अभी हम बच्चे को उनके माँ के पास ही रखे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही डॉगी आ जाएगा तो हम बच्चे को बाहर निकालेंगे और आपको अच्छे से दिखलाएंगे भी। तो दोस्तों, अभी जो है कि बच्चे अपने माँ के पास हैं फिलहाल, अभी हम उन्हें आज माँ के पास ही रहने देंगे। कल दोस्तों हम डॉगी के बच्चे भी लाएंगे और जो कबूतर के बच्चे हैं उन्हें भी बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, जो है कि अभी जो है कि वो माँ के पास ही हैं। और दोस्तों, इधर जो मेरे रैबिट हैं पूरे छत पे घूमते रहते हैं, तो दोस्तों इन्हें भी डर रहती है बिल्ली की। तो हम इसलिए दोस्तों, जो है कि हमें एक डॉगी की बहुत ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि हम कल ही जाकर और एक डॉगी लाएंगे। तो दोस्तों, हम कल एक डॉगी लाएंगे और कल आपको दिखलाएंगे भी। फिलहाल दोस्तों, देख सकते हैं जो है कि मेरे सभी रैबिट इधर उधर घूम रहे हैं। तो दोस्तों, जो है कि चलते हैं फिर हम रूम में। और दोस्तों, देख सकते हैं जो है कि हमारे जो कबूतर हैं वो दाने खा रहे हैं और इधर जो हमारी भजीज है दोस्तों, देख सकते हैं ये मस्ती कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो फीमेल भजीज है उधर गई हुई है, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिर आ रही है, कैसे आ रही है आप देख सकते हैं। और जो मेल भजीज है यहाँ पर दोनों शोर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, जो है कि इनके बर्तन में अभी दाने पड़े हुए हैं और जो हमारे कबूतर हैं इनके भी बर्तन में अभी दाने पड़े हुए हैं। आप देख भी सकते हैं कि जो फीमेल कबूतरी है वो दाने खा रही थी और जो मेल कबूतर है वो डब्बे के ऊपर बैठा हुआ है। और दोस्तों, इधर हमारा ब्लैक वाला रैबिट है, इसे भी आप देख सकते हैं।
ये भी जो है कि हम इसे भी हरी घास दे दी हूँ खाने के लिए, और ये भी बहुत ही मज़े से हरी घास खा रहा है। और देखते हैं जो और सभी रैबिट है इसी के पास है, और जो कुछ रैबिट है बाहर हरी घास खा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे रैबिट को, और दोस्तों देख सकते हैं इधर जो है कि हमारी मुर्गी है। तो दोस्तों जो है कि देखते हैं ये अंडे से चूजे कितने दिनों पर निकालती है। देख सकते हैं फिलहाल जो है कि अंडे पे बैठी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसे रख देते हैं और देखते हैं कि ये कितने दिनों पर अंडे से चूजे निकालेगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जो है कि कल हम एक प्यारा सा क्यूट डॉगी का बच्चा लाने वाली है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो पर ऐसे ही बने रहिएगा ताकि आप डॉगी के बच्चे को देख सकें।